today we are going to start mass spectrometry. So as the name suggests, mass spectrometry. इससे हमें ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं मास की बात हो रही है. So the main use of mass spectrometry, इसे हम शॉर्ट में MS भी बोलते हैं, is to find out the mass of the unknown compound. And among all the spectroscopy's technique which we have, this is the most sensitive and informative. So, होता क्या है, पहले हम UV करते हैं, फिर IR करते हैं, उसके बाद NMR करते हैं, उसके बाद भी अगर हमको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं हमको और क्लैरिटी चाहिए कि एक्चुअल में ये कंपाउंड है क्या, तो उसके लिए हम उस कंपाउंड को मास स्पेक्ट्रोमीटर में एनालाइज करते हैं. अगर आपने कभी नाम सुना हो LC-MS का या IR-MS का, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, जैसे HPLC होती है जिसमें कि आप अपने कंपाउंड्स की पीक्स एनालाइज करते हो, तो वही सेम आपका कंपाउंड MS में चला जाता है मास स्पेक्ट्रोमीटर में. तो उससे आपको ये कंफर्म हो जाता है कि जो भी मेरी पीक आ रही है HPLC में, MS में जाके अगर वो सेम मॉलिक्यूलर वेट दिखा रही है, तो हाँ ये वही कंपाउंड है जिसका जिस जो इस टाइम मेरे माइंड में है. सो इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज द मोस्ट इन्फॉर्मेटिव एंड मोस्ट सेंसिटिव. So coming to the principle, you all can see my screen, right? The principle, इसमें हम क्या करते हैं, we bombard an electron beam to the analyte. Suppose our analyte is M, जिसको हमें analyze करना है. हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक electron beam bombard करेंगे, यानी कि बॉम्बार्डमेंट का मतलब सबको पता है कि एक तरह से एक फास्ट इलेक्ट्रॉन बीम हम इस मॉलिक्यूल पे फेंकेंगे. एज अ रिजल्ट क्या होगा, सपोज उस इलेक्ट्रॉन बीम में से एक इलेक्ट्रॉन आपका M पे जाके टकराया, तो उसके बदले में क्या होगा, M क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा. उनमें से एक इलेक्ट्रॉन तो वही होगा जो कि इलेक्ट्रॉन बीम से आके टकराया था M पे, और एक इलेक्ट्रॉन होगा M का जो M के पास पहले से ही था. सो अगर हम इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, तो इट वुड बी लाइक M प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन बीम से आया, तो बदले में हमें क्या मिलेगा, M. अब बिकॉज इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकल चुका है ऑलरेडी, ये जो आपको येलो वाला दिख रहा है, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक आ जाएगा फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. अब जब लोन पेयर में से एक निकल गया इलेक्ट्रॉन, तो एक बच गया, तो इसकी वजह से एक फ्री रेडिकल भी आ जाएगा प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ, या ये बोल सकते हो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी. मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं जो कि है यहाँ पे M. उसके बाद एक फास्ट इलेक्ट्रॉन बीम हम बॉम्बार्ड करते हैं उस पर. उस इलेक्ट्रॉन बीम का एक इलेक्ट्रॉन आके M से टकराएगा. M बदले में क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा. एक इलेक्ट्रॉन तो वही होगा जो कि उससे टकराया था, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो M का अपना इलेक्ट्रॉन होगा जो उसके पास पहले से है. नाउ अगर आप इस इक्वेशन में देखोगे M प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसके बदले में क्या हुआ, M ने जो अपने वाला इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, उसकी वजह से उसके पास आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज. नाउ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं लोन पेयर की फॉर्म में. सो एक लाइक जैसे लोन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक तो बच गया, तो इसकी वजह से यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा. ठीक है, ये जो आपका बनेगा इसको आप बोलोगे मॉलिक्यूलर आयन. एंड बदले में जो टू इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यू ऑलरेडी नो कि कौन कौन से हैं, ये वाला और ये वाला. सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल
ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। नाउ अब अगर आपको पता हो कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं दे आर नॉट स्टेबल, एंड यहाँ हमारे पास ऑलरेडी एक फ्री रेडिकल बन रहा है मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्म में, तो इसकी वजह से क्या होगा, इस फ्री रेडिकल की वजह से जो M प्लस है यानी कि जो आपके पास ये है ये अपने आप को स्टेबिलाईज करने की कोशिश करेगा। अब वो कैसे करेगा, स्टेबिलाईज करने के चक्कर में ये अपने आप को फर्दर फ्रेगमेंट करेगा यानी कि अपने आप को पार्ट्स में तोड़ेगा। इसको हम आगे एक एग्जाम्पल से कंसिडर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट, ड्यू टू फ्री रेडिकल M plus free radical will be unstable. Due to unstable state, it will fragment more. सो एज अ रिजल्ट ये जो आपके पास मॉलिक्यूलर आयन था इनके नाम आपको याद रखने हैं कि मॉलिक्यूलर आयन कौन सा होता है, फ्रेगमेंट आयन कौन सा होता है, डॉटर आयन्स कौन से होते हैं। तो मॉलिक्यूलर आयन वो होता है जो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम बॉम्बार्ड करने पे सबसे पहले बनता है। तो इन दिस केस दिस इज द मॉलिक्यूलर आयन, नाउ दिस इज अनस्टेबल सो इट विल फ्रेगमेंट फर्दर, सो इट विल गेट फ्रेगमेंटेड इन टू, सपोज ये दो पार्ट्स में अपने आप को तोड़ रहा है M1 प्लस M2, इधर भी लिख दो M1 प्लस M2। सो एक बार क्या होगा, M1 पे पॉजिटिव चार्ज होगा, M2 पे फ्री रेडिकल होगा, और एक बार क्या होगा, M1 पे फ्री रेडिकल होगा और M2 पे पॉजिटिव चार्ज होगा। नाउ ये जो फर्दर फ्रेगमेंटेशन से बने इनको हम बोलते हैं, ये M1 M2 को फ्रेगमेंट आयन्स या फिर डॉटर आयन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर जीपैट एंड नाइपर, मॉलिक्यूलर आयन भी इंपॉर्टेंट टर्म है, फ्रैगमेंट आयन्स भी और डॉटर आयन्स भी। सो अब एक्चुअल में क्या होता है, ये तो था आपका अनस्टेबल मॉलिक्यूलर आयन, बट ये जो आपके फ्रैगमेंट आयन्स और डॉटर आयन्स बनेंगे एट लास्ट जो बनेंगे दीज आर स्टेबल आयन्स। स्टेबल आयन्स क्यों, बिकॉज वो फर्दर फ्रेगमेंट हो ही नहीं सकते, दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू फ्रेगमेंट मोर, दैट्स व्हाई दे आर स्टेबल। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ नियोपेंटेन। जितनी भी आप बुक्स देखोगे आपको नियोपेंटेन का एग्जाम्पल सबसे पहले दिखेगा बिकॉज इट इज द सिंपलेस्ट। ओके, इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, सो इट इज सी फाइव थ्री 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 एच ट्वेल्व। नाउ अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, सपोज मैं इस पे एक इलेक्ट्रॉन बीम बॉम्बार्ड कर रही हूं, सो वट विल हैपन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल कन्वर्ट इन टू अ मॉलिक्यूलर आयन, दैट वुड बी सी फाइव एच ट्वेल्व प्लस, और साथ में एक फ्री रेडिकल। Now this is unstable and bracket में molecular ion भी लिख लो। So now what will happen? It will fragment more. Now ये किस pattern में fragment होगा? जितने भी इसके हिस्से बन सकते हैं ये उन सब हिस्सों में टूटेगा। So first of all, सबसे पहले ये बनाएगा। अब क्या होगा, fragmentation के time पे जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो अलग हो जाएगा और जो फ्री रेडिकल वाला पार्ट है वो अलग हो जाएगा। सो इसको एक बार ही देखने की समझने की कोशिश करना, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं क्योंकि इस पार्ट से आपके क्वेश्चंस इतने नहीं बनते हैं, बट समझने की कोशिश करना फिर भी। सो सी फाइव एच ट्वेल्व को अगर मैं इसमें से एक कार्बन हटा दूंगी, सो इट वुड बी सी फोर एच नाइन प्लस, अगेन दो हटाऊंगी तो सी थ्री एच सेवन प्लस, तीन हटाऊंगी तो सी टू एच फाइव प्लस, एंड चार हटाऊंगी तो सी एच थ्री प्लस। अब अगर आप देखोगे इसको तोड़ के तो ये इन चार पार्ट्स में टूट रहा है, मतलब इसके ये चार फ्रेगमेंट्स बनेंगे। नाउ अब आपके पॉजिटिव वाले तो बन गए बट आपके फ्री रेडिकल्स वाले नहीं बने, सो वो कैसे बनेंगे,
जैसे C4H9+ के साथ आपके बनेगा एक CH3 फ्री रेडिकल, C3H7 के साथ बनेगा C2H5 का फ्री रेडिकल, C2H5+ के साथ बनेगा C3H8 का फ्री रेडिकल, और CH3 के साथ बनेगा CH3+ के साथ C4H9 का फ्री रेडिकल. एंड दीज आर कॉल्ड फ्रैगमेंट आयंस और डॉटर आयंस. सो अगर आप इनको कंबाइन करके देखोगे ऑल टुगेदर C4H9+ और CH3 को, सो यू विल गेट C5H12+. इन दोनों को कंबाइन करके देखोगे तो भी, इनको कंबाइन करके देखोगे तो भी, एंड इनको भी. सो दिस इज हाउ फ्रैगमेंटेशन इज परफॉर्म्ड इन MS. एंड दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री. नाउ कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंटेशन. सो इसको आप ड्रॉ कर सकते हो या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड मैं इसको अभी समझाती हूँ, तो आप उसको बाद में अपनी कॉपी में अच्छे से ड्रॉ कर लेना. सो दिस इज द बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन और वी कैन से द ब्लॉक डायग्राम ऑफ MS. नाउ MS इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ए बी सी एंड डी. ए इज योर सैम्पल वेपराइजेशन चैम्बर, बी इज आयनाइजेशन चैम्बर, C is acceleration chamber and D is mass analyzer. So first of all come to A. A में क्या देखो, हमारे जो sample होते हैं it can be solid, liquid or gas. But अगर हम MS में MS के नजरिए से देखें तो हमारा जो sample होना चाहिए MS में analyze करने के लिए it should be in gaseous form. इसको आप लिख लो, ये question भी आया एक बार आ चुका है, मैंने कहीं पे देखा है कि अगर आपको MS में analyze करना है अपना sample तो वो किस form में होना चाहिए. So write it down कि your sample should be in gaseous form. So MS का जो सबसे पहला पार्ट होता है that is sample vaporization chamber. As the name suggests, vaporization, यानी कि जो आपका sample है वो यहाँ पे हीट होगा. तो अगर आप इधर देखोगे इस पोर्शन में तो यहाँ पे आपके पास एक हीटिंग कॉइल है. सो व्हाट यू विल डू, एक प्रॉब के PROBE प्रॉब, उसकी हेल्प से आप अपने सैंपल को इंट्रोड्यूस करते हो. इट कैन बी इन सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म, एनीथिंग, ठीक है. उसके बाद आपका जो सैंपल है वो हीट होता है. जब आपका सैंपल हीट होगा तो इट विल गेट कन्वर्टेड इन टू द गैशियस फॉर्म. So the main work of sample vaporization chamber is to change the state of the sample so that it can be analyzed. Yes? Ma'am, can you repeat this part once more? Okay. So sample vaporization chamber. इसमें अगर आपको नाम से पता चल रहा हो sample vaporization, मतलब जो आपका sample है वो vaporize होगा. Now आपका जो MS होता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री या मास स्पेक्ट्रोमीटर, उसमें आपको अगर सैंपल एनालाइज करना है तो इट शुड बी इन गैशियस फॉर्म. सो अगर आपके पास सैंपल है सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द सैंपल वेपराइजेशन चैम्बर इट विल बी कन्वर्टेड इन टू द गैशियस फॉर्म. अब उसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये जो पोर्शन है ए वाला, इसमें हमारे पास एक हीटिंग कॉइल रहता है. हीटिंग कॉइल सैंपल को हीट करता है और सैंपल वेपराइज होता है. नाउ सैंपल वेपराइजेशन चैम्बर का एक और फीचर होता है कि इसमें जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दैट इज लोअर देन द एक्चुअल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो राइट इट डाउन, तो मैं थोड़ा सा स्लाइड कर देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन सैंपल वेपराइजेशन चैम्बर. It brings the sample from lab environment के ब्रैकेट में लिख लो 1 atmosphere to a lower pressure.
ब्रैकेट में लिखो 10^-6 mm एंड सैंपल इज वेपराइज्ड विद द हेल्प ऑफ हीटिंग कॉइल्स। सो यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीपैट नाइपर में, वो ये पूछा जा सकता है कि सैंपल वेपराइजेशन चैम्बर का, या सैंपल इनलेट चैम्बर भी बोलते हैं इसको, INLET, उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो कितना होता है। तो उसका आंसर है इधर 10^-6 mm, तो इस पे लिख लो इम्पोर्टेंट। ठीक है, नाउ अब आपका सैंपल हो गया वेपराइज, अगली चीज क्या करनी है हमको, सैंपल खाली वेपराइज हुआ है, वो आयनाइज नहीं हुआ। अब जो है हमारा पार्ट बी, आयनाइजेशन चैम्बर, एज द नेम सजेस्ट, इसमें आपका सैंपल आयनाइज होगा। अब वो आयनाइज कैसे होगा, वो खुद से तो आयनाइज हो नहीं जाएगा, देयर शुड बी समथिंग जो कि उसको आयनाइज करे। सो फॉर दैट इन द आयनाइजेशन चैम्बर वी आर हैविंग अ टंगस्टन फिलामेंट व्हिच इज हीटेड। तो टंगस्टन फिलामेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की बीम रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन की बीम जाके टकराएगी आपके एनालाइट से, जिसको हमने यहाँ पे एम से रिप्रेजेंट करा है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन बीम टकराएगी M से, तो इट विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू M plus विद अ फ्री रेडिकल। ये प्रोसेस कैसे हुआ, ये ऑलरेडी हम प्रिंसिपल में डिस्कस कर चुके हैं कि ये M plus फ्री रेडिकल कैसे बना। नाउ जस्ट बिकॉज दिस इज अनस्टेबल एज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड, सो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू, लेट मी जूम इट, इट विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू M1 plus, M2 plus एंड M3 plus। यहाँ पे वो भी बनेंगे M1 फ्री रेडिकल, M2 फ्री रेडिकल, M3 फ्री रेडिकल, बट उनका एक्चुअल में कोई काम नहीं होता। फिर भी एक बार मैं लिख देती हूँ छोटा छोटा सा, M1 फ्री रेडिकल, M2 फ्री रेडिकल, M3 फ्री रेडिकल, ये भी बनते हैं आपके आयनाइजेशन चैम्बर में। बट क्या होता है ना, एक और चीज आप नोट कर लो साइड में, कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जो अभी हम बी फार्म लेवल पे पढ़ रहे हैं, कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपके सिर्फ पॉजिटिव आयन्स ही, पॉजिटिवली चार्ज आयन्स ही एनालाइज होते हैं, नेगेटिव या फ्री रेडिकल वाले नहीं होते। सो ये M1 फ्री रेडिकल, M2 फ्री रेडिकल, ये सब इधर ही रह जाएंगे, आगे जो आपके जाएंगे वो होंगे आपके पॉजिटिव वाले। नाउ द पार्ट सी इज एक्सेलरेशन चैम्बर, सो एज द नेम सिग्निफाइज एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ पे। एक्सेलरेशन किसका हो रहा है, जो भी आपके फ्रैगमेंट आयन्स या मॉलिक्यूलर आयन बने थे वो एक्सेलरेट होंगे, यानी कि अब उनकी जाने की स्पीड बढ़ेगी, आगे जाने की स्पीड बढ़ेगी। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास इधर कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये जो आपके प्लस माइनस वाले हैं, दीज आर दी इलेक्ट्रोड्स। एंड वन मोर थिंग, पहले आप इसको लिख लो, उसके बाद मैं आगे बताती हूँ। आयनाइजेशन चैम्बर के अंडर में लिख लो The beam of electron is bombarded onto the sample so that they can get ionized and fragmented. जो एनर्जी होती है आयनाइजेशन चैम्बर की, एनर्जी ऑफ आयनाइजेशन चैम्बर, दैट इज 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट जो एनर्जी रिक्वायर होती है आयनाइजेशन करने के लिए, रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर आयनाइजेशन, दैट इज बिटवीन 8 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। कि हमें चाहिए तो 8 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में, बट जो हमारे पास अवेलेबल है या जो हम सेट करते हैं, दैट इज 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जीपैट में जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्टली इधर से आएगा, और पहले भी आ चुका है इन दोनों पॉइंट से, कि आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होता है
या फिर आपके जो आयनाइजेशन चैम्बर की एनर्जी होती है वो कितनी होती है. तो दीज आर दी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. इनामदार में भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिख जाएगा. सो कमिंग टू दी एक्सेलरेशन चैम्बर आयनाइजेशन. अब पहले सबसे पहले क्या हुआ, सैंपल इंट्रोड्यूस किया, सैंपल वेपराइज हुआ, उसके बाद सैंपल आयनाइज हुआ. अब क्या करेगा, जो फ्रैगमेंट्स और मॉलिक्यूल सॉरी फ्रैगमेंट और मॉलिक्यूलर आयन्स बने हैं वो जाएंगे आगे. उसके लिए हमें इसको पास कराना पड़ेगा एक एक्सेलरेशन चैम्बर से. इस एक्सेलरेशन चैम्बर में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी होता है. सो व्हाट विल हैपन, आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगी सॉरी इलेक्ट्रोड्स होंगी, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज दोनों होंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, बट बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव भी है तो वो थोड़ा बहुत अट्रैक्ट भी करेगा. पहले वाली इलेक्ट्रोड में कम नेगेटिव चार्ज है, दूसरे वाली में ज्यादा है. सो एज अ रिजल्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड एक्सेलरेशन होगा आयंस का. नाउ इस एक्सेलरेशन चैम्बर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज 8000 वोल्ट. इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ये जो छोटी छोटी वैल्यूज हैं इन्हीं से ही क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो राइट इट डाउन. एक छोटा सा बस वही पॉइंट लिख लो. एट थाउजेंड वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंसेस अप्लाइड. नाउ एक्सेलरेशन चैम्बर के बाद आपका आता है मास एनालाइजर. मास एनालाइजर एज द नेम सजेस्ट, इसमें जो आपके फ्रैगमेंट्स हैं वो मास के बेसिस पे एनालाइज होंगे. सो एक्सेलरेशन ऑलरेडी हो चुका है. अब अगर आप यहाँ पे देखोगे डायग्राम में तो यहाँ पे आपका m प्लस भी है, m1 प्लस भी है, m2 प्लस भी है और m3 प्लस भी है. मास के बेसिस पे ये पहुंचेंगे सबसे पहले डिटेक्टर के पास. जो सबसे ज्यादा हैवी होगा वो सबसे पहले पहुंचेगा और जो सबसे ज्यादा लाइट होगा वो सबसे बाद में पहुंचेगा. होता है ना, जो पत्थर सबसे ज्यादा भारी होता है वो सबसे पहले जमीन पे पहुंचता है और जो पत्थर सबसे ज्यादा हल्का होता है वो सबसे लास्ट में पहुंचता है. तो यहाँ पे सेम वही फंडा अप्लाई होगा. सो कहीं साइड में लिख लो कि द फ्रैगमेंट विद द हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट विल रीच द डिटेक्टर फर्स्ट. नाउ ये जो मास एनालाइजर होते हैं, अब ये सेपरेट किसके बेसिस पे होता है, इन मास एनालाइजर में आयंस गेट सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एम बाय जेड रेशियो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सेपरेशन है वो किसके बेसिस पे होता है, तो उसका आंसर है एम बाय जेड रेशियो के बेसिस पे. नाउ व्हाट इज दिस एम बाय जेड रेशियो, अगर किसी ने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वो आंसर दे सकता है इसका. Anybody? चार्ज. So m is mass and z is charge. जो आपका चार्ज होता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में इट रिमेन्स वन, बट समटाइम्स इट कैन बी टू. सो अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल कोई एनालाइट है m, उसका मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है 74. सो उसका m by z किस फॉर्म में आएगा, 74 अपॉन 1. सो इनडायरेक्टली m by z की फॉर्म में आई एम गेटिंग दी मॉलिक्यूलर वेट. सो दिस वॉज द इंस्ट्रूमेंटेशन. नाउ देयर आर सम कॉमन टर्म्स जैसे कि टाइप्स ऑफ मास एनालाइजर्स. सो बी फार्म लेवल पे आपको बस इनके नाम पता होने चाहिए, कोई आपसे डिटेल में नहीं पूछ रहा. एम फार्म करोगे तो उसमें आपका एक सब्जेक्ट होता है.
कोई भी ब्रांच चूज करो एनालिटिकल टेक्निक से रिलेटेड एक सब्जेक्ट रहता है, तो उसमें यू हैव टू स्टडी डिटेल। एक्सक्यूज मी अभी के लिए। यस, कैन यू शो हिज प्रीवियस लाइन? ओके, थैंक यू मैम। सो टाइप्स ऑफ मास एनालाइजर्स, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, बट आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए, इतना काफी है। सो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ मास एनालाइजर्स। फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक सेक्टर मास एनालाइजर। Second is double focusing. Mass analyzer. Third is quadrupole. Mass analyzer. And fourth is time of flight. Mass analyzer. इनके नाम याद रखना बहुत important है, GPAT और NIPER दोनों के लिए। नाइपर में तो पक्का से ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, पिछले 2-3 साल में। नाउ आफ्टर दिस यू हैव टू रिमेम्बर द नेम्स ऑफ द आयनाइजेशन टेक्निक्स। जैसे यहाँ पे बी पार्ट में आपका आयनाइजेशन हो रहा था, सो आयनाइजेशन किस प्रोसेस से होगा उसकी भी आपकी कुछ टेक्निक्स होती हैं। सो बेसिकली आपकी जो आयनाइजेशन टेक्निक्स होती हैं, they are divided into two parts, and second is hard ionization technique. Soft ionization techniques में आपकी जो fragmentation होती है वो कम होती है, fragmentation is less. So हमारे पास जो peaks आती हैं they are less in number. And hard on the other hand is opposite. Hard ionization technique में fragmentation is more and we get more number of peaks. Now इस basis पे भी आपकी जो ionization techniques हैं वो differentiate करी गई हैं, जैसे कि gas phase desorption और evaporation. So, जहां पे हाँ जी आप कैन यू शो द प्रीवियस स्लाइड? ओके ओके वेट, थैंक यू मैम। सो दिस इज ऑल्सो डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट आयनाइजेशन टेक्निक्स, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो इसको नोट कर लो। सो गैस फेस के अंदर आती है हमारी इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंड केमिकल आयनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वही जैसे हमने टंगस्टन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करके फ्रेगमेंटेशन प्रोड्यूस किया था, जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया। एंड केमिकल आयनाइजेशन में वी टेक हेल्प ऑफ सम गैस। सो बेसिकली जो गैस सबसे ज्यादा यूज होती है दैट इज मीथेन गैस, इसको भी लिख लो कहीं पे पॉइंट आ सकता है। बाकी जैसे दूसरे हैं जैसे डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन, इसमें आते हैं आपके फील्ड डिसॉर्प्शन FD, फास्ट एटम बम्बार्डमेंट,
एंड मालदी, इसकी बहुत बार जो आपकी डेफिनेशन है वो पूछी जा चुकी है. मैट्रिक्स असिस्टेड, सॉरी डेफिनेशन नहीं, फुल फॉर्म, मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डीज ऑप्शन आयनाइजेशन. सो मालदी की जो फुल फॉर्म है इसको आप एक स्टार बना के लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जी पैटर नाइन पर दोनों के लिए. देन अंडर द इवेपोरेशन आयनाइजेशन वी हैव थर्मोस्प्रे आयनाइजेशन, ESI, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन, APCI, एटमोस्फेरिक प्रेशर केमिकल आयनाइजेशन एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर. APPI इज फॉर एटमोस्फेरिक प्रेशर फोटो आयनाइजेशन. सो जो इनमें इसको मेरे को एक और बार चेक करना पड़ेगा, बट एज पर आई रिमेम्बर जो आपकी हार्ड आयनाइजेशन टेक्निक्स होती हैं वो होती हैं आपकी इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन और केमिकल आयनाइजेशन, एंड जो आपकी बाकी रिमेनिंग हैं दे आर सॉफ्ट आयनाइजेशन टेक्निक्स. स्टिल आई विल चेक कि इनमें से कोई एक आध अगर हार्ड के अंडर आती है तो, बट एज फार एज आई रिमेम्बर इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन और केमिकल आयनाइजेशन आपकी हार्ड आयनाइजेशन टेक्निक्स के अंडर आती हैं. तो ये पूरे इनकी आपको फुल फॉर्म्स याद होनी चाहिए, खासकर ये मालदी की और APCI, APPI, वो डायरेक्टली फुल फॉर्म्स भी पूछ सकता है. सो केमिकल आयनाइजेशन आई जस्ट रिसेंटली चेक्ड, ये भी सॉफ्ट आयनाइजेशन टेक्निक के अंडर ही आता है. सो इसको हार्ड से हटा लो. एंड इसमें जो आप गैसेस यूज करते हो दे आर मीथेन, आइसोब्यूटेन एंड अमोनिया. इनको ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. एंड होता क्या है केमिकल आयनाइजेशन में, केमिकल आयनाइजेशन प्रोसेस में आपका जब प्रोटॉन ट्रांसफर होता है को, बस ज्यादा डिटेल में तो जाने की जरूरत नहीं है. लाइक एम अगर आपका एनालाइट है और सपोज यू आर यूजिंग मीथेन गैस, वो जब आयनाइज होगी तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस CH5+. तो इसमें आपके बनते हैं क्वासी मॉलिक्यूलर आयन्स. सो प्रोटॉन ट्रांसफर होने की वजह से इट विल बी लाइक MH, AH आपका इधर चला जाएगा MH प्लस प्लस CH4. दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. सो दीज आर नोन एज, ये MH प्लस टाइप के जो आयन्स होते हैं, क्वासी मॉलिक्यूलर आयन्स. इससे आपका क्वेश्चन आ चुका है पहले भी कि आपको वो ऐसे MH प्लस लिख के दे देगा और पूछ लेगा कि व्हाट आर दीज आयन्स कॉल्ड. सो दीज आर कॉल्ड क्वासी मॉलिक्यूलर आयन्स. अपार्ट फ्रॉम दीज आयनाइजेशन टेक्निक्स के बाद जो आपका एमएस में है, सो एक आध बेसिक डेफिनेशंस हैं. मॉलिक्यूलर आयन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज इट. मॉलिक्यूलर आयन को हम पेरेंट आयन भी बोलते हैं. एंड फ्रैगमेंट आयन्स, जो कि मॉलिक्यूलर आयन्स के फ्रैगमेंट से बनती हैं, उनको हम डॉटर आयन्स भी बोलते हैं. देन कम्स द मेटास्टेबल आयन्स. सो दीज आर द आयन्स दैट फॉर्म ड्यूरिंग द फ्लाइट. इन द आयन ट्यूब रीजन. सो एक्चुअल में कहने का ये मतलब है कि मेटास्टेबल आयन्स वो होते हैं जो कि आपके आयनाइजेशन चैम्बर में नहीं बनते, बट जब आपके जो दूसरे आयन्स हैं जब वो मास एनालाइजर में पहुंचते हैं
तो वहां पे जो फ्रैगमेंट होता है उससे जो आयंस बनते हैं दे आर नोन एज द मेटास्टेबल आयन, आयंस दैट फॉर्म ड्यूरिंग द फ्लाइट इन द आयन ट्यूब रीजन, ब्रैकेट में लिख लो मास एनालाइजर। एंड इनकी वजह से जो पीक्स आती हैं दे आर ब्रॉडर एंड दे आर लेस इंटेंस। क्वासी मॉलिक्यूलर आयन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नाउ देयर इज वन मोर टर्म, बेस पीक। सो एमएस में जो आपकी बेस पीक होती है वो पीक होती है विच इज मोस्ट इंटेंस पीक, और वी कैन से मोस्ट एबंडेंट पीक। सो ऐसा सिंपल एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन भी पहले आ चुका है जीपैट में कि जो मोस्ट इंटेंस पीक होती है या जो मोस्ट अबंडेंट पीक होती है उसका क्या नाम होता है। सो द आंसर वुड बी बेस पीक। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके दो तीन टॉपिक्स और बचे हैं एमएस में, एमएस बहुत छोटा सा ही है, दैट इज मैक्लेफार्टी रीअरेंजमेंट एंड नाइट्रोजन रूल।